क्या हुआ? आपका काम हो, आप वो लाल हो गए, क्या हुआ? लाल हो गए आप, हो गया आठ मलाल तैयार है, रोक आइए रोकू से बात करो। आले तब देव के होया घेरा किया दीन बसे आधीन है कैसे कहते सुनाए कहो भ्रात यह दान तुम हमको अब दीजिए यह कन्या जी जान या शोभा तुमको नहीं। बोलो किने कहा भैया? आठवीं स्थान पे मुझ पे पुत्र नहीं बल्कि पुत्री का जन्म हुआ है। क्या आठवें स्थान पर पुत्री का जन्म? हाँ भैया। लेकिन देवता तो कह रहे थे आठवें स्थान पर पुत्र होगा, ये पुत्री का जन्म क्यों क्यों बसे? इसमें तुम्हारी कोई चाल या कोई छल? युवराज आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं हमारे हाथों में अतकाई पामर में बेड़े गले में तोप पड़ी हुई थी, फिर हम उस बालक को यहाँ से वहां कैसे पहुंचा सकते? घर इसमें तुम्हारी कोई चाल नहीं है, कोई छल नहीं है, तो ये फिर क्या है? ये चंबा है या धोखा है, जादू है या माया है? जिसे मैं लड़का समझा था वो लड़की बनकर आया है, लेकिन इसने सोचा होगा लड़का बनकर के जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, क्यों ना लड़की बनकर के चलू। वो नहीं आया मेरे पैसे, ये उसकी माया आई है, मेरी तलवार से कटने को उसकी छाया आई है। लेकिन देव की ये लड़की हो या लड़का हो, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मारेंगे। आज इसकी रक्षा करने के लिए चाहे तीनों लोकों के देवता क्यों ना इकट्ठे हो जाए, ये ब्रह्मा हो विष्णु हो शंकर त्रिपुरारी हो इंद्र हो सहाय करे हूँ उसका मैं मरूंगा, भैरव भवानी देव दानवों का ढेर हो करे इसकी रक्षा उनके समस्त अंग तोड़, ये वरुण कुबेर हो काल यमराज हो हमें इसे बचाने को उनके समस्त सरप हो, इसे तक दे तुरंत मेरे तू हवाले कर, अरे ये है मेरी शत्रु इसे जिंदा नहीं इसे तू मुझे दे। भैया आप इस कन्या को मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि इससे मुझे कोई भय नहीं। हाँ भैया है, इससे मुझे भय है, अगर इस समय नहीं तो आने वाले भविष्य में जो इसके साथ भरण करेगा वह मेरा काल हो सकता है, या फिर आने वाले भविष्य में जो इसके उदर से संतान जन्म लेगी वह मेरा काल हो सकता है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे मुझे दे, मुझे दे। छूट करके आकाश मार्ग में जा उड़ी,
ये कन्या घर से छूट गई, आकाश से दे रही नववाणी, वो दुर्गा थी या चामुंडा या रक्त बीज, वो कल्ले बनी। इसके मुख से ये कैसा शब्द गुंजार उठा, कहती है जो तुझे मारेगा उसका ब्रज में अवतार। लेकिन इसने हमको ये अवगत नहीं कराया, कहां हुआ, किसके घर हुआ, कौन मुझे बतलाएगा, किस तरह होगी खोजबीन और कैसे मारा जाएगा। लेकिन कंस तूने ये क्या किया, अपनी बहन की समस्त संतानों का पुत्र का डरा, फिर भी तेरा काल प्रकट हो गया। कंस तूने ये अच्छा नहीं किया। बहन आज तू रो रही है, हम जानते हैं कि पास तो तुझको कितना बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हर माँ बाप सोचता है कि हमारी संतान बड़ी होकर के हमको सुख प्राप्त करे, सुख देगी, लेकिन हमने तेरी एक संतान को भी जीवित नहीं छोड़ा। बहन हम अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, हमें क्षमा कर दो बहन, हमें क्षमा कर दो। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, जो हमारे भाग्य में था वह हमने भूल लिया। संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल अवश्य भोगना पड़ता है। न खेते कर्म कोट सतई अपि अवश्य में भुक्तव्यम् निज कृत कर्म शुभाशुभ। जो भी प्राणी जैसा करता है वो संसार में आकर के भोग नहीं पड़ता है। लेकिन वस्ते वसुदेव सन क्षमा करा आगे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा कर दें। नहीं नहीं युवराज, इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं था, उस विधाता ने ही हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, जो विद्या ने लिख दिए छठी रात के राई घटे न दिल बड़े रह गए जीव सर। युवराज आपका कुछ भी दोष नहीं था। इनको बंधन से मुक्त किया जाए, ठीक है महाराज अभी कर। और जिस प्रकार से हम विदा करने के लिए जा रहे थे उसी प्रकार से हम इनको विदा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब तक हमारे शत्रु का पता नहीं चलता कि हमारे शत्रु ने कहा और किसके घर में जन्म लिया है, तब तक इनको नजर कैद रखा जाए। ठीक है सर, आइए तुम भी क्षमा मांगो इनसे। मांग लो, ठीक है। अरे विदूषक क्यों रो रहे हैं भाई आप? मैंने आपको जेल में बहुत दुख दिया है और फिर आपके आंसू, इसलिए मेरे आंसू आपकी वजह नाक में से निकल गए। चिंता
ऐसा है, मैं भी माफी मांग लेता हूँ। बुआ जी नहीं, फूफा जी, फूफा जी, मैंने आपको जेल में बहुत परेशान किया है, खूब आलू का जूस पिलाया है, इसलिए पृथ्वी, ए पृथ्वी, पृथ्वी, क्या कह रहे हैं आप पृथ्वी से? मैं पृथ्वी माता से कह रहा हूँ। क्या पृथ्वी, मैं फट क्यों नहीं जाता जो तू मुझमें समा ले। अरे आकाश, तू रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिससे मैं खा जाऊं? अरे ओ जनता, अरे ओ पब्लिक, तू भाग क्यों नहीं जाता जिससे मैं सो जाऊं? आप मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी औलाद हूँ, तुम मेरी सब संतान हो। जीवन जी, हाँ जी, देखिए आप सेवक हैं और एक सेवक को राजा की बात मानना चाहिए। ठीक है, आइए मैं आपकी सेवा कर देता हूँ, आपको सेवक मान लो। आइए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर का